हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग, बिकॉज एग्जाम आने वाली है एंड जिनके सिलेक्शन हो गए तो उनको तो मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने पुलिस वेरिफिकेशन कैसे किया था एंड क्या वैलिडिटी होती है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की, कितने दिन के अंदर का होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों ने बाकी एग्जाम्स के लिए भी शायद बनाया होगा। एंड और क्या बात करने वाले थे हम कि हाँ, जो बॉन्ड वगैरह लिखवा के लेते हैं MGB में, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में, तो वो आपको कहाँ से खुद से लेके आना है या यहाँ मिलेगा एंड मेडिकल का प्रोसेस वगैरह। सो देखिए, फर्स्ट थिंग, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था मेरे घर के पास के एक नेट कैफ़े में, वहाँ से अप्लाई किया था। मैं तो उस वक्त वहाँ पे थी भी नहीं एक्चुअली, मैंने SBI के लिए, जब मैंने SBI क्लर्क ज्वाइन किया था उसी के लिए बनवाया था पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी वहाँ पे, बट स्टिल एक्नॉलेजमेंट था मेरे पास, सर्टिफिकेट बन के आने था, बट आप तुरंत ही अप्लाई कर दो तीन दिन ही हार्डली लगते हैं। दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर कि ये पहले होना चाहिए या कुछ, तो इसीलिए मेरा थोड़ा डिले हो गया था, बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप थी तो उन्होंने फिर थोड़ा 1 वीक का टाइम दिया था मुझे कि 1 वीक में सबमिट कर दो। तो नेट कैफे से मैंने अप्लाई किया था एंड फिर वो पूरी प्रोसेस उन्होंने ही कर दी थी, बस लोकल आपका लोकल जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाना होता है। सो आई वॉज नॉट अवेलेबल, तो मेरे पापा गए थे, बट पुलिस वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होती है, जो पुलिस ने करनी चाहिए, वो सारा कुछ करते हैं। वो घर के तरफ भी आए थे, हमसे नाम भी मांगे जाते हैं हमारे नेबर्स के कि कौन है आपके नेबर्स, किसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम। तो मैंने 2-3 लोगों के नाम दिए थे, उनमें से उन्होंने एक दो लोगों के घर में विजिट करके भी पूछा है कि डू यू नो दिस पर्सन, इनकी क्या पढ़ाई हुई है, कैसा है नेचर या कुछ, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो एंड सो। तो ये सारी चीज़ें पड़ोस के भैया को पूछी गई थी। तो ऐसा होता है पुलिस वेरिफिकेशन, आप भी ऑनलाइन जाके अप्लाई कर दीजिए, अगेन आपके कॉन्टैक्ट में कोई नेट कैफे वाला हो तो वहाँ से कर दीजिए, बट ट्राई टू मतलब अप्लाई अर्ली, एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज अभी अगर 18 को आपका DV है तो इट इज़ बेटर कि 18 के पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाए, नहीं तो वो एक टेंशन होती है यार कि कब सर्टिफिकेट बनेगा, कब बनेगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए पहले ही आप ट्राई कीजिए कि वो तुरंत आ जाए, दोनों के लिए, ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज दोनों के भी DV आसपास में ही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड जो हमें साइन करना होता है, दोनों के लिए बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड हमें तो मेरे DV के वक्त इन्होंने ही प्रोवाइड किया था, लाइक बैंक में ही एक सर लेके आए थे बॉन्ड, सर मतलब आउटसोर्स था तो उन्होंने लेके आए थे, तो उन्होंने चार्ज लिया हमसे उस 100 रुपीज़ बॉन्ड का एंड वो बॉन्ड दे दिया, बिकॉज इट इज़ थोड़ा सा आउटसाइड हेड ऑफिस, तो हो सकता है आसपास आपको ना मिले, एंड अगर आप नहीं भी ला रहे हो कहीं से तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। एंड प्लस मेडिकल की जो प्रोसेस हुई थी वो मैंने एक बार पिछले भी बार वीडियो में शेयर की थी बहुत पहले, बट चलो फिर से बता देते कि मेडिकल के प्रोसेस में क्या हुआ था। नॉर्मल BP शुगर चेक हुआ था एंड इतना कुछ नहीं, हाइट वेट ऐसे नॉर्मल सा चेक हुआ था, बट थोड़ा सा देर आपको खाना नहीं खाना हो है, मतलब सुबह खा के आओ जब भी आपका शेड्यूल है DV का उस वक्त खा के आओ, बट मेडिकल के 1 आवर तक आप मत खाओ क्योंकि शुगर वगैरह हाई आ सकता है। तो बस इतना ही है, मेडिकल में इतना कुछ मेजर चीज़ें नहीं थी उस वक्त, इस वक्त भी नहीं होगी आई गेस, बेसिक मेडिकल होता है। एंड यही था इस वीडियो के लिए, आपको कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, पार्टी तो लेनी है ना, तो शेयर तो करना पड़ेगा उन लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है MGB में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।